हेलो गाइस, मैं हूँ अशफाक और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल हेल्पर में। तो दोस्तों, फाइनली हमारे यूट्यूब चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन हो चुका है। 222 आवर में ही मेरे चैनल का मोनेटाइज ऑन हो चुका है। तो दोस्तों, ऐसा मैंने क्या किया जो 22 आवर में ही मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया? ऐसा तो दोस्तों, मैं बहुत दिन पहले मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन दोस्तों मोनेटाइजेशन अप्लाई करते समय आपको 3 स्टेप फिल करना पड़ता है, यानी स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 को जब तक डन नहीं कर पाएंगे तब तक आपका चैनल मोनेटाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में दोस्तों, मेरा जो स्टेप 2 था उसमें मेरा चैनल जाकर फंस जा रहा था और दोस्तों मैं बहुत परेशान हो गया। उसके बाद दोस्तों कई दिन तक उसमें मैं ट्राई करता था, फिर भी मेरा वो डन नहीं हो पाया। लेकिन दोस्तों एक दिन ऐसा आया कि जिसे मैं डन किया उसके 22 आवर में ही मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। तो ऐसा क्या किया दोस्तों कि जो स्टेप 2 है वो डन हुआ और जो मेरा चैनल 22 आवर में ही डन हो गया। और दोस्तों मैंने क्या क्या गलती की थी जो आपको नहीं करनी है, तो दोस्तों ये सभी बात मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे तो दोस्तों लगभग मैंने 20 दिन पहले ही अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन दोस्तों जो स्टेप 1 और स्टेप 2 और स्टेप 3 होता है, जिसमें स्टेप 1 तो सब लोग डन कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों स्टेप 2 जो होता है वही बहुत ही मेन होता है, जिसमें आपको गूगल एडसेंस में साइन अप करना पड़ता है। तो दोस्तों मैंने 2 स्टेप में साइन अप किया, लेकिन दोस्तों मेरे पास कुछ घंटे के बाद ही मेरे पास मेल आ गया, यू हैव एग्जिस्टिंग अकाउंट ऑलरेडी। तो दोस्तों मैंने सोचा कि मेरे पास पहले से कोई एग्जिस्टिंग, यानी मेरे पास कोई पहले से गूगल एडसेंस अकाउंट तो नहीं है, जिससे कि मेरे पास ये मेल आया। तो दोस्तों मैंने बहुत ही देखा कि वो मेरा मेल क्या है, क्योंकि दोस्तों आपको जो मेल आता है उसमें आपका जो ईमेल आईडी, जिसमें पहले ही आप जो गूगल एडसेंस बनाए रखते हैं, उसमें आपका जो फर्स्ट ईमेल आईडी का जो 3 वर्ड होता है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों मुझे पता नहीं चला था कि ये कौन सा ईमेल आईडी जिसमें मैंने गूगल एडसेंस पहले से ही बना रखा है। तो दोस्तों ऐसे में उसे मैं इग्नोर कर दिया और फिर से सेकंड को ईमेल आईडी ऑन किया और फिर उसमें मैंने अप्लाई कर दिया, फिर भी उसमें भी ऐसा ही आ रहा था। तो दोस्तों मैंने सोचा कि फिर दूसरे नाम से बनाते हैं, तो दूसरे नाम से भी मैंने बनाया, तो उसमें भी मैंने उसी मोबाइल नंबर को डाला जिससे मैंने दूसरा जो गूगल एडसेंस अकाउंट बनाया था उसमें वही मोबाइल नंबर दे दिया, तो उसमें भी फिर यही लिखा गया है कि आपके पास फिर से ऑलरेडी अकाउंट है ही। तो दोस्तों मैं बहुत ही परेशान हो गया, लगभग 4-5 बार ऐसे किया और मैं बहुत ही परेशान हो गया, बहुत ही मतलब निराश टाइप का हो गया। तो मैं बहुत ही कोशिश किया और भी कोई यूट्यूबर को मेल भी किया, तो कोई किसी ने रिप्लाई नहीं दिया। तो मैंने सोचा कि लास्ट में अपने से ही ये सब करना होगा और अपने से ही इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो देखा जिससे मुझे कोई बेनिफिट ऐसे मिला नहीं, लेकिन दोस्तों कुछ आइडिया थोड़ा सा मिला जिससे कि मैंने सोचा कि वो ईमेल आईडी से मैं कैसे खोजूं। तो दोस्तों मैंने बहुत ही दिमाग लगाया, लेकिन दोस्तों वो ईमेल आईडी मेरे पास था और मेरे पास ऐसे बहुत सारा ईमेल आईडी है, लेकिन दोस्तों मैंने उस ईमेल आईडी को ट्राई करते करते उस ईमेल आईडी को मैंने साइन अप मतलब साइन इन किया गूगल एडसेंस में, तो दोस्तों वो गूगल एडसेंस फाइनली मेरा ऑन हो चुका था। तो दोस्तों ऐसे तो मैं पहले एक भी चैनल चला रहा था, वो दोस्तों वो चैनल अभी भी है, लेकिन दोस्तों मुझे ये नहीं पता था कि उसके साथ मैंने गूगल एडसेंस भी बनाया हुआ। तो दोस्तों उसी गूगल एडसेंस को मैं इसके साथ लिंक कर दिया। तो दोस्तों ऐसे में मेरा 2 स्टेप डन हो चुका। उसके बाद दोस्तों जो मेरा चैनल है, परसों मेरा जो चैनल वो अंडर रिव्यू में चला गया, और दोस्तों परसों जैसे मेरा चैनल अंडर रिव्यू में गया उसके दोस्तों 22 आवर के अंदर, यानी कल जो मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज हो गया। तो दोस्तों मैं बहुत ही खुश हुआ कि 22 आवर में ही मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। दोस्तों ऐसे मैंने चैनल पर सारा जो वीडियो है फेस कैम ही बनाया, कोई बिना फेस कैम का वीडियो नहीं है। तो दोस्तों आप लोग भी अगर फेस कैम वीडियो बनाते हैं तो आपका भी चैनल बहुत ही जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपके वीडियो में कुछ भी है तो दोस्तों आप अपने वीडियो का एक एक करके चेक करें। दोस्तों ऐसे में इसके लिए अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ कि कैसे आप अपने चैनल को चेक करेंगे कि आपका जो चैनल मोनेटाइजेशन के लिए इलिजिबल है कि नहीं, दोस्तों आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे में इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मेरा चैनल कितने दिन में मोनेटाइज हुआ और मैंने क्या क्या गलती की थी। दोस्तों इसी प्रकार आप अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइजेशन में भेजने से पहले आप चेक कर लें कि आपके पास पहले से ही कोई गूगल एडसेंस अकाउंट तो नहीं है। अगर
अगर दोस्तों आपके पास है तो उसी से आप अपना गूगल एडसेंस अकाउंट लॉग इन कर ले। अगर दोस्तों आप नहीं चाहते कि वो गूगल एडसेंस अकाउंट मेरे चैनल के साथ लिंक हो तो दोस्तों आप दूसरे नाम से ईमेल आईडी बनाए और दूसरा कोई नंबर उसके साथ ऐड करे तो दोस्तों तभी आप अपना दूसरा एडसेंस अकाउंट बना पाएंगे। अगर दोस्तों आप अपना दूसरा नाम से बनाते हैं वही मोबाइल नंबर डालते हैं तो दोस्तों ऐसे में आपका नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार आप अपने YouTube चैनल को चेक करके आप अपने चैनल को मोनेटाइज करा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद। Oh, oh, oh.